राजा में आई और जब भी गणपति जी को देखती हूँ बड़ी पुत्र वाली फीलिंग आती है कि इतने सालों तक पार्वती करने के बाद गणपति जी से एक स्पेशल अटैचमेंट है और एक अपनापन भी लगता है, लगता है अपने किसी से बात करने। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं घर गई हुई थी अपने इंदौर के गणपति के दर्शन करने, पर मैं आखिरी दिन आई क्योंकि मुझे पप्पा से तो मिलना ही था और बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। किस किस तरह की फीलिंग होती है जी इतने सालों से आपने पार्वती का दर्शन किया था, काफी अटैचमेंट होगी आपकी तो, और इस जगह के बारे में क्या कहना है? ये जगह आके हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं, आपके दर्शन बहुत आराम से हो जाते हैं, आराम से आपको लगा ही नहीं कि आप आखिरी दिन में आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके। अंधेरी चार आ जाए और मन में रह जाता है अगर आज यहाँ नहीं आ पाती, मुझे लग रहा था शायद कल मुंबई आऊंगी, बट मैं आज आ गई और पापा के दर्शन कर गई। इस साल तो काफी अच्छा चल रहा है आपका, मिक्का स्वयंवर भी आप जीत चुके हैं एंड हमने देखा सोशल मीडिया में काफी सारी आपने तस्वीरें डाली, पापा के साथ एक वीडियो डाली, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, किस तरह से देखते हो इस साल को? इस साल मुझे लगता है पापा का आशीर्वाद मुझे शुरू से मिला है और ये साल बहुत अच्छा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आ रही है, बहुत सारी चीजें लाइन अप है, तो मैं चाहती हूँ एक अच्छा सा आशीर्वाद ले लूँ और भूषण जी को भी मैंने अपनी सारी विशेष बता दी है, तो आई होप बस पापा ऐसे ही आशीर्वाद रखे। सिर्फ भूषण जी को पता है जो मेरी विशेष अपने कान में छुपके हुई है मैंने। और आने वाले समय में क्या कुछ रियलिटी शो की तरफ रुख कर, अभी हाल ही में अभी एक रियलिटी शो जीत के काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मुझे लगता था शुरू से कि शायद मैं रियलिटी शो मटेरियल नहीं हूँ पार्वती और शोज और एक्टिंग के लिए, बट जब एक रियलिटी शो किया मुझे लगता है आई थिंक आई एम अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अ रियलिटी शो, तो काफी कॉन्फिडेंट हुआ मैं, कोई भी शो हो रियलिटी हो या कुछ भी हो आई कैन गिव। बिग बॉस भी आ रहा है, परफेक्ट कैंडिडेट रूल भी है आप अपने, तो बिग बॉस के लिए कितना कितना क्या देख पाएगा? बिग बॉस तो हमेशा मेरा फेवरेट शो रहा, एक स्पेशल अटैचमेंट है मेरी लाइफ के, काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस बिग बॉस की वजह से ले पाई हूं मैं, तो बिग बॉस एक अटैचमेंट है और अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा कोई गाना एनी अपकमिंग सॉन्ग? गाना और ऐसा कुछ जो आप लोग बहुत साथ में हम लोगों को देखना चाहते थे, हिंट मैंने दे दिए तो आप लोग साथ में देखेंगे, और कुछ बहुत ही बड़ा मिक्का सिंह के साथ आपका कोई गाना आने वाला है? कुछ बहुत बड़ा शूट कर रही हूँ इस मंथ, तो पापा का आशीर्वाद तो है एंड गाने लकीली मेरे 100 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं, इस बार मैं चाहती हूँ 500 मिलियन क्रॉस। थैंक यू सो मच गणपति पप्पा। गणपति पप्पा अंकल मूर्ति।